हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए, और जैसा कि आप लोग वेट कर रहे थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, तो फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट डिक्लेयर कर दी गई है, घोषित कर दी गई है, और उसकी डेट है आपकी 9 जून 2022 से 18 जून 2022 तक आप लोगों का क्या होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो पूरी जानकारी हम देखते हैं, और इसमें यह है कि आयोग के विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2021 स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा के अंतर्गत महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त 9212 पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा के आधार पर अभिलेख परीक्षण हेतु अर्हर पाए गए कुल 17,713 अभ्यर्थियों का अभिलेख परीक्षण दिनांक 9 जून 2022 से 18 जून 2022 तक दो पालियों, प्रथम पाली 10 सुबह 10 से लेकर 1 दोपहर 1 बजे तक होगा, और सेकंड पाली जो होगी, सेकंड जो शिफ्ट होगी उसमें आपका होगा 1:30 बजे से 4:30 बजे तक, ठीक है। और ये कहाँ पर होगा, ये बप्पा श्री नारायण वोकेशनल पीजी कॉलेज, यानी कि जिसको शॉर्ट फॉर्म में केकेवी कहते हैं, ठीक है। आप पास पास में दोनों कॉलेज हैं, एक तो केकेसी और एक है केकेवी, तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो आपका होगा केकेवी में, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है, स्टेशन रोड चारबाग लखनऊ में आयोजित किया गया, ठीक है, चारबाग में स्टेशन रोड पर स्थित है, और केकेवी में आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। नेक्स्ट देखेंगे अभिलेख परीक्षण के समय सभी अभ्यर्थियों के सभी शैक्षिक अभिलेखों, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र एवं आयु में शिथिलता के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्रों अभिलेखों का मूल प्रमाण पत्रों अभिलेखों से मिलान सत्यापन व गहनता से परीक्षण किया जाएगा। अभिलेख परीक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों का विवरण परिशिष्ट में दिया गया है। अभिलेख परीक्षण हेतु दिवस एवं पालीवार कार्यक्रम यथासमय आयोग की वेबसाइट के माध्यम से पृथक से सूचित किया जाएगा। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आपकी डेट क्या होगी, किस दिन आपको बुलाया जाएगा, इसका जो जो आपका प्रोग्राम है वो आपको इस वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 9 जून 2022 से 18 जून 2022 तक हो, ठीक है, बट आपका किस दिन होगा ये अभी वेबसाइट पे डिक्लेयर किया जाएगा। नेक्स्ट आप ये देखोगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को प्रिपेयर करना है और ले जाना है, तो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पर। और इसमें हम देखेंगे परीक्षण किए जाने वाले बिंदु क्या होंगी, आयु सीमा आपकी देखी जाएगी, ठीक है, और इसके लिए आपको क्या दिखाना होगा, हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के अंक पत्र हो या प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि मान्य होगी, ठीक है। जन्मतिथि आपका जांच करी जाएगी, तो उसके लिए क्या हो, आपका हाई स्कूल का जो मार्कशीट हो और आपका जो सर्टिफिकेट है उसको भी आपको ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उससे ही आपका डेट ऑफ बर्थ क्या हुआ, जांच करी जाएगी डेट ऑफ बर्थ की, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे कि केवल उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ST/ST OBC के अभ्यर्थियों और पिता पक्ष की ओर से निर्गत जात प्रमाण पत्र विज्ञापन के परिशिष्ट में अंकित प्रारूप पर ही मान्य होगा। पिता पक्ष की ओर से क्या होगा, निर्गत जात प्रमाण पत्र मान्य होगा। और इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि जो आपका जात प्रमाण पत्र बनेगा वो क्या होगा, तो जात प्रमाण पत्र जो है आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि, ठीक है, यानी कि जो आपका जात प्रमाण पत्र हो उसकी जारी करने की तिथि 5 जनवरी 2022 तक ही होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए,
यानी कि आपकी जारी करने की तिथि 5 जनवरी 2022 हो, उसके बाद की ना हो। ठीक है, तो ये इसमें ध्यान रखने वाली बात है। और जो इस स्टेट यानी उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, ठीक है, जो एप्लीकेंट्स मूल निवासी नहीं है, उनको क्या होगा, उन्हें किसी तरह का आरक्षण का लाभ नहीं माना जाएगा, ठीक है, नहीं दिया जाएगा, यानी कि वो अनारक्षित श्रेणी में गिने जाएंगे। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा क्या देखेंगे, एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस के लिए आप लोगों के लिए क्या हो कि इससे तो क्या होगा, कौन सा सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, इसमें चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार में संविदा के आधार पर सहायक नर्स मिडवाइफ के रूप में कार्यरत महिला अभ्यर्थियों को इस प्रकार प्रदान किए जाने वाली छूट को प्रमाणित सत्यापित किए जाने के संबंध में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संबंधित जनपद के केवल मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। और इसमें क्या होना चाहिए, सीएमओ के हस्ताक्षरित होने चाहिए, यानी सीएमओ के साइन होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ही प्रमाण पत्र आपके लिए मान्य होगा। ठीक है, और आपका नेक्स्ट जो है शैक्षिक अर्हता, शैक्षिक अर्हता इस पोस्ट की क्या थी, इसमें इंटरमीडिएट परीक्षा थी। ठीक है, तो इंटरमीडिएट परीक्षा का जो एग्ज़ाम का जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है, वो भी आप लोगों को ले जाना होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट है आपका कौन सा सर्टिफिकेट आपको ले जाना होगा, A&M का जो कोर्स कर रखा है आपने, ठीक है, 1 वर्ष 6 माह अथवा 2 वर्ष का सहायक नर्सेज एवं मिडवाइफ्स A&M प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, प्रसूति से संबंधित 6 माह का प्रशिक्षण सहित का एक प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, और उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल लखनऊ में पंजीकरण का जो प्रमाण पत्र है वो भी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो आपका यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी का जो प्रमाण पत्र है वो भी आप लोगों के पास होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है अधिमानी अर्हता, अगर किसी ने राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC का अगर B सर्टिफिकेट है, तो उसमें सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, और जो अधिमानी अंक है, जो आपको अंक मिलेंगे वो संविदा के आधार पर दिए जाएंगे, और 1 साल के आपको 3 अंक मिलेंगे, और अधिकतम आपको 5 साल का एक्सपीरियंस मान्य होगा, और टोटल आपको फिर 15 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में पहले ही बता चुके हैं। और नेक्स्ट हमारा है जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको कितने दिनों का एक्सपीरियंस है, तो इस चीज़ की जांच के लिए आप लोग क्या करेंगे कि संविदा के आधार पर अगर आप कार्य कर रहे हो तो उसके आपने कितने दिन काम किया है, तो इसके लिए आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है या फिर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के पंजीकरण का प्रमाण है, मानव संपदा पोर्टल से निर्गत वेतन पर्ची सैलरी या बैंक स्टेटमेंट इत्यादि भी आपको अपने साथ ले जाना पड़ेगा, जिससे कि उनको ये पता चल सके कि आप लोगों ने कब ज्वाइन किया था, ठीक है, कब आपने जॉब स्टार्ट करी थी। ठीक है, एंड इसमें हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करी जा रही है। नेक्स्ट EWS वाले अगर हैं तो उनको भी क्या है प्रमाण पत्र जो देना होगा, और जो आपका जो भी जात का सर्टिफिकेट वगैरह रहेगा, तो एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपका प्रोफॉर्मा दिया गया है उसी बेसिस पे बना होना चाहिए। ठीक है, और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको क्या होना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जहाँ से भी कर रहे हैं आप लोगों को लिए इसके लिए लेना होगा। तो फ्रेंड्स, ये सारी इतनी सी जानकारी थी, और आप लोगों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, तो आप लोग अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। ऐसी अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।